वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावनं मनोहर वांछाकल्पतरुवश कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेवई पियावई केशवस्य स्नभक्तिपदे देवी सत्वत्वई नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचन तम नुतम शरण्यं भीतातिहं पुनोत्पाल भवद्दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपोवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति चाराधिका मयि कदा कृपां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आयानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्ष विशांबरौ द्विजबरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीतरभ्युषीतवाम भाग नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपती भजभीशनाथ बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं शरीरं परिणाम पेशलं पततीयवश्यं सतसंधि जर्जरं
kimaushadham prichasi murudurmati niramayam krishna rasayanam pibo idam sariram parinam pesalam patati avashyam satasandhi jarjaram kimaushadham prichasi murudurmati Niramayam Krishna Rasayanam Pibhav. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ne bataye. Hum log jyada din ye jagat mein nahi rahenge. Jagat se jana hai. Aur jane ka pehle agar tayari kar le, ये शरीर जाने का पथ कहाँ जाएंगे, क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं शरीर छोड़ने का पहले ही ये सब विषय में चिंतन करना है. शरीर छोड़ने तो हो गया, शरीर छोड़ने का पहले ये सब चीज़ के बारे में सोचना है. यह मौत क्या चीज़ है, मरने का बाद क्या होगा. हम लोग ज़्यादा दिन जगत में नहीं रहेंगे, रहने का व्यवस्था नहीं है, जगत बस दो दिन का जिंदगी है. इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, और ये जिंदगी जो है इज दैट ऑल, यही सब कुछ है, उसका पथ और कुछ नहीं है क्या. गौरी अगोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, अगर शरीर छूटने का पहले जीते जी, शरीर छूटने का पहले ये सब विषय में अगर चिंतन करे, ओवर एंड अगेन पुनः पुनः चिंतन करे, तो कुछ समाधान हो सकता. क्योंकि समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, हर एक समस्या है समाधान है. हो सके कि समाधान मेरा पास नहीं है, लेकिन समाधान है. ऐसा मौत का कोई सलूशन नहीं हुआ, मौत बोल के जो चीज़ है इसका कोई सलूशन नाश्ता नहीं निकाला, इसका कोई समाधान नहीं है. फिर भी समाधान है, क्यों? क्योंकि मौत बोल के जो चीज़ है ये तो पक्का बात नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप में मौत बोल के कोई चीज़ है ही नहीं. मृत्युर अत्यंतिक विस्तृति, मृत्यु का बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, जब मृत्युर अत्यंतिक विस्तृति, अत्यंतिक विस्तृति मैंने कुछ याद नहीं रहेगा, क्या था मैं, क्या हुआ था, किस शरीर में मैं उपस्थित था पहले जन्म में, कुछ नहीं. मृत्युर अत्यंतिक विस्तृति, आ शरीर का चेंज हो जाए, यही मौत. वास्तविक रूप से मौत बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, और जड़ जगत में ये बोलना जरूरी है कि मौत का कोई सलूशन आज तक निकाला नहीं. किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किए, प्रभुपाद आप कह रहे हो कि भजन करने के लिए, भजन कृष्ण भजन समाधान है, कृष्ण भजन छोड़ के बाकी कुछ समाधान है नहीं. कृष्ण भजन करने से तमाम समस्या का समाधान हो सकता है, बाकी कृष्ण भजन छोड़ के कोई समाधान है नहीं, यही एकमात्र सल्यूशन है. जीते जी अगर हरि भजन हो जाए गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, भजन तो ऐसे अकेला होता नहीं, गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्ति होने के बाद हरि भजन शुरू करे, शुरुआत बस. परीक्षित महाराज का भी ये प्रश्न था, परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या, जे मरणशील मानव के लिए क्या सबसे अच्छा चीज क्या है. एतत् पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं मानस सर्वथा. उत्तर ये भी निकाला, हरि भजन मतलब हरि नाम. प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया, क्या साधन क्रिया और साधन भक्ति एक चीज है, क्या साधन क्रिया और साधन भक्ति के एक चीज़ है क्या,
पोपा जी को किसी ने प्रश्न किया, पोपा जी कहते नहीं एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। साधन क्रिया जो है इट कैन नॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर सोल, आत्मा का ऊपर इसका प्रभाव नहीं ज़्यादा पड़ता। साधन क्रिया किचु आत्मा का ऊपर होता नहीं, साधन क्रिया चिदाभास मन का भूमिका में, पहले भी बताया था, मन जो है, मन को भक्ति में ठाकुर विशेष करके बताए, ये मन चिदाभास है, मीन मन चिन्मय नहीं है, मन चिन्मय हो सकता, जब तमाम शरीर भजन करते करते सारे चिन्मय हो जाए तब मन का भी कैसे होता है, ये इसका उदाहरण हमने पिछले सप्ताह चर्चा किया था। यहाँ कैसा गान मेटल सल्फर का साथ और क्या एक चीज़ बताया था, मार्करी 8G, इसको घर्षण करते 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 अंग्रेजी कथा में बताया, मिक्सिंग तो होता नहीं, पहले होगा ही नहीं, अगर कोई इसको रगड़ने का कोशिश करे, सल्फर गनमेटल सल्फर और 8G मार्करी दोनों को घर्षण करते रहे, देखिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन करते चलो करते चलो, घर्षण करते करते बहुत देर बाद अब लगने लग जाएगा, एक दूसरे के साथ मिलावटी होने लग जाएगा, और ये ब्लैक एक नया वस्तु, अब सल्फर को भी पता नहीं चलेगा कहाँ गया और मार्करी को भी पता नहीं चलेगा, एक नया वस्तु का उत्पादन है। ये उदाहरण दिया है हमारा दार्शनिक गुरु वर्गों ने, ये विचार दिखाया, पहले होगा नहीं लेकिन घर्षण करते 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 अंतिम में देखा जाएगा एक ब्लैक काला जैसा एक चीज, नया चीज उत्पन्न होता है, इसमें ना तो सल्फर का प्रॉपर्टी दिखाई पड़ता है ना तो मार्करी का, कुछ नहीं, नया एक चीज। ऐसा ही है मन का साथ, साधन भक्ति क्रिया में जो हरि कथा हरि कीर्तन है वो रगड़ते चलो, सुनते चलो सुनते चलो, बार बार सुनते चलो, पहले अच्छा नहीं लगेगा, पहले अच्छा नहीं लगेगा पर थोड़ा, क्योंकि आनंद उसी चीज में मिलता है, आनंद जिस चीज में मिलता है ना, जिस चीज में आनंद मिलते रहता है उसमें टायर्डनेस ही आता है, पढ़ाई करने वालों टायर्ड आएगा, ओलंपिक देखने बोलो, एक बच्चा भी रात को 2 बजे देखेगा टकटकी लगा के, अरे क्या हो रहा है, लेकिन क्यों उसमें आनंद आ रहा है, मेटेरियल आनंद चाहे मेटेरियल आनंद, तो जिस चीज में आनंद मिलता है उसमें टायर्डनेस कम आता है, आता नहीं, और जिसमें आनंद नहीं मिलता, पहले आनंद तो है ही है, नहीं तो गीता में कैसे बताया, जदग्रह अमृत बमम परिणाम विषमीव, पहले अमृत जैसा आगेगा है, ज्योतिष संग आदि बड़ा आनंद लगेगा, मिठास लगेगा, इतना सुंदर, आह क्या मजा है, ये जिंदगी का मजा ले लो, खाओ पियो जियो, लेकिन ये मजा जो है बाद में निकालेगा, मजा का जो मसला है बाद में निकालेगा, क्या मजा था, जदग्रह अमृत ब्रह्म परिणाम विषमीव, और पहले जो दुखदायक लगता है परिमाम में परिणाम में जाके अमृत अमृत बरसने वाले, अमृत बरसता है, ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस बारे में बहुत सारे विचार बनाते हैं, बनाते रहते हैं। तो ये जो है अगले पिछले सप्ताह चर्चा की, ये मेटेरियल मानी हो कुछ भी हो, अपराध नहीं किया हो तो, पहले कोई अपराध ज़्यादा कुछ नहीं किया हो तो ये न्यूट्रल है, चलो और हरि कथा कीर्तन सुनते रहो सुनते रहो, पहले अच्छा नहीं लगे, इतना करा बात क्या होगा, ये सब सुन के सुनते सुनते अब हरि कथा जो है माइंड का साथ में थोड़ा रगड़ने चलो, धीरे 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 क्या होगा, ये जो मेटेरियल माइंड जो है
ये आस्ते आस्ते परिवर्तन हो गए होके ये चिन्मय एक चीज अप्राकृत मन पहले नहीं हो सकता। ये बहुत जब हरि कथा का लिए धीरे धीरे सुनते सुनते हरि कथा का और आकर्षण हरि कथा का लिए एक मन में खिंचावट पैदा हो इस समय वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और होने का बाद क्या होगा, माइंड का साथ हरि कथा हरि भक्ति हरि कथा मतलब साधन अंग हरि कथा हरि कीर्तन साधन अंग ये माने भक्ति साधन हरि कथा श्रवण कीर्तन साधन भक्ति धीरे धीरे माइंड का अंदर असर फैले फैलाएगा और धीरे 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 माइंड का साथ मिक्सिंग होके अल्टीमेटली ये माइंड जो है मन जो है पूरा परिवर्तन होके चिन्मय मन में बदल जाए। साधन भक्ति का बारे में जो चीज़ है लेकिन जो जो महात्मा लोग पहुंचा हुआ संत महात्मा लोग हैं ये साधन भक्ति जो है उस ये जो साधारण आदमी का लिए और पहुंचा हुआ महात्मा के लिए वो जो स्वयं साध्य है आई बात समझ में। जैसे नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि नवविधा भक्ति से नवविधा भक्ति में श्रवण कीर्तन जो है श्रवण कीर्तन को सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया गया। श्रवण कीर्तन का सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया गया उसमें भी श्रवणम क्योंकि श्रवण नहीं होने से कीर्तन कहाँ से हो, पहले तो श्रवण का जरूरी है किसी जगह में श्रवण करे उसका बाद कीर्तन करे इसलिए श्रवणम कीर्तनम कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन जो साधन भक्ति है ये श्रवण कीर्तन साधन भक्ति साधक के लिए साधकों के लिए साधकों के लिए ये साधन भक्ति है लेकिन जो पहुंचा हुआ महात्मा है इसका लिए स्वयं साध्य है। हरि कथा कीर्तन इनके लिए स्वयं साध्य है अर्थात ये हरि कीर्तन हरि कथा हरि कीर्तन का द्वारा ये साध्य वस्तु अर्थात कृष्ण प्रेम का अनुभव करता है। आई बात समझ में, जो साधक साधक भक्त के लिए जो साधक है ये साधक भक्त के लिए ये साधन अंग है लेकिन पहुंचा हुआ महात्मा जो है इसके लिए ये श्रवण कीर्तन जो है एक ही जैसा लगेगा लगेगा एक ही जैसा लेकिन एक नहीं है। ये पहुंचा हुआ संत महात्मा का लिए ये स्वयं साध्य वस्तु है मतलब ये श्रवण कीर्तन के द्वारा जो चीज प्राप्त करना है अर्थात कृष्ण प्रेम भगवान के साथ प्रेम की रिश्ता ये अनुभव करता है कौन संत महात्मा। तो एक जैसा लगने से भी एक नहीं है। तो साधन क्रिया का बारे में अगर चर्चा करें प्रभुपाद कह रहे हैं साधन क्रिया का शुरुआत में आत्मा का ऊपर इसका असर नहीं पड़ता लेकिन एक करते चलो प्रैक्टिस करते चलो गुरु वैष्णव का अनुगत्व में लेकिन ये इसका आत्मा के ऊपर इसका ऊपर असर नहीं पड़ता। पहले साधन किया कि आत्मा रूपुर है ना। साधन क्रिया जो है पहले भी बताया चिदाभास मन का भूमिका में रह के मन का परिवर्तन धीरे धीरे वेरी वेरी स्लोली इतना स्लो है जो पता नहीं चलता। चिदाभास मन का भूमिका में ये साधन क्रिया का असर पड़ता है और कैसे क्या होता है मैंने पिछले हफ्ता भी चर्चा की। और कालाधीन काल का अधीन हरि वैमुखो ये जो कालाधीन माने ये जो महाकाल का अधीन माने शुरुआत और उसका खत्म हो जाना ये कालाधीन हरि वैमुखो हरि का विमुख होना ये कालाधीन बोला गया। क्यों जब भी अनंत जीव अनंत काल से हरि विमुख है फिर भी हरि विमुख
हरि विमुख इन्फिनिटी काल से अनुविमुख है, इसका मतलब ये नहीं कि हरि विमुख हरि विमुख भावी चलते चलेगा, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। इसीलिए भोपाल जी ने इसको बोले बताए कालाधीन हरि वैमुख, हरि का विमुख जो भाव ये कालाधीन नाशिनी अर्थात इसको नाश करने वाली ये सवन क्रिया साधन क्रिया, ओ नित्ता साधन भक्ति शुद्ध भक्ति थे, इसमें दोनों में फर्क है। और ये जो है जो साधन ये सकल भक्ति अंग जाजन के द्वारा जो साधक जो है साधन क्रिया के द्वारा वेरी सिंसियरली अगर फॉलो करते चले गुरु वैष्णव अनुगत्य में, इसके द्वारा अपना अनर्थ जो है हृदय में हृदय में मौजूद जो अनर्थ राशि है ये निवृत्ति हो जाए, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाए, होते रहेगा, इसका नाम ही साधन क्रिया। अनर्थ चले जाने का बाद तमाम मौजूद जो अनर्थ है जितना सारे अनर्थ मौजूद है हृदय में ये सारे हटने का बाद एलिमिनेटेड हो जाने का बाद सेवा वृत्ति सेवा का लिए जो टेंडेंसी जो है सेवा का जो भाव जागृत होती है और शुद्ध भक्ति व साधन भक्ति को प्रकाशित कर देते हैं। आई बात समझ में हैं? ये करते 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 अनर्थ अनर्थ जाने का बाद ये साधन क्रिया वेरी सिंसियरली करते चलो, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे, ऐसा करते करते अनर्थ उपगमे अनर्थ एलिमिनेटेड हो जाने का बाद सेवा वृत्ति प्रकाशित होते रहेगा और शुद्ध भक्ति व साधन भक्ति ऑटोमेटिकली स्वतः प्रकाशित हो जाएगा हृदय क्षेत्र में। आई बात समझ में? तो हरि विमुख जो भाव है ये ऐसा नहीं कि अनंत काल से हरि विमुख है अनंत जीव, इसका मतलब ये नहीं कि हरि विमुख ही रहेगा, ये परिवर्तन हो सकता है। साधु संगे कृष्ण नाम एमात्र चाय संसार जिनित यार कोनो वस्तु ना है। साधन क्रिया आत्मा का ऊपर असर नहीं फैलाता है, वो चिदाभास मन का ऊपर, किंतु साधन भक्ति आत्मा का भूमिका में क्रियावती, साधन भक्ति जो है आत्मा का भूमिका में नित्य क्रियावती, चिदाभास मन का ऊपर जो साधन क्रिया जो प्रयुक्त होता है ये चिदाभास मन का ऊपर ही कन्फाइन रहता है, धीरे 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 चलेगा आके जलकर अनर्थ उपशम अर्थात एलिमिनेट होते रहेगा। आत्मा का ऊपर साधन क्रिया कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, आत्मधर्मों व आत्मा वृत्ति ये स्वाभाविक रूप में इसका भक्त आत्मा का वृत्ति स्वाभाविक भक्ति है, ये इसको प्रकाशित कर देने वाली जो है ये साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब ऑलरेडी फेवरेबल सिचुएशन, आत्मधर्म के ऊपर अर्थात आत्मा का जो भूमिका है इसी में शुरुआत हो गया सेवा सेवा वृत्ति। और साधन आदि जो साधन भक्ति जो कुछ भी है साधन क्रिया तमाम ये साधन क्रिया इन प्राइमरी स्टेज ये जो शुरू करे आदमी साधन क्रिया नहीं करने से होगा कैसे, लेकिन ये जो शुरुआत में करते चले ये साधन आदि जो कुछ भी है तमाम एक्चुअली फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड, मन को निग्रह करने के लिए अनर्थों को हटाने के लिए मन को निग्रह करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक है ये मन। हमारे जितना सारे इंद्रियां हैं इसमें मन को सबसे बलशाली मन और इतना पावरफुल जो मन को मन का साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्न किए ये वायु रीव सुदुष्कर, हमको तो ये लगता है मनः दुर्निग्रहम चलम,
मन को तो कंट्रोलिंग करना क्वाइट इम्पॉसिबल और नेक्स्ट इम्पॉसिबल। भगवान ने बोला हाँ ठीक बताए, किंतु भगवान ने एक तो किंतु लगाया, किंतु अभ्यासे न तू कंती हो वैराग्य न चाग्रहती। मन का स्वाभाविक वृत्ति है विषयों का ओर भागना। मन का स्वाभाविक वृत्ति है विषयों का ओर भागना, लेकिन अल्टीमेटली भजन ये जो साधन क्रिया है इसका माने ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कई भी रास्ता में योग में ज्ञान में किसी भी जगह जाओ, फर्स्ट प्रेफरेंस है फर्स्ट मन को कंट्रोलिंग करना है। मनो एव मनुस्वानम कारण बंधनम अक्षयो, ये मन को निग्रह करना मतलब कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है। सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, भगवान ने दसवें स्कंद में बताया है जितना भी भजन क्रिया करो ये जो क्रिया है साधन क्रिया ये सारे असर पड़ेगा मन के ऊपर। मन अगर बस में नहीं आई तो हो गया छुट्टी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, तमाम भजन का प्राइमरी प्रोसीजर इज टू गेट द माइंड अंडर कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना ये काम है। और मनोनिग्रह होने का बाद ही आत्मा का जो वृत्ति स्वाभाविक भक्ति ये विकास लाभ कर सकता है, इसका पहले नहीं। मनोधर्मो ये कंट्रोलिंग में आने का बाद रेगुलेटेड होने, एकदम पलतू कुत्ता का माफी, मन जब पलतू कुत्ता का में है बैठ, कुत्ता का बोलो बैठ जाए, मन पूरा कंट्रोलिंग में आने का बाद क्या होता है, मनोनिग्रह होने का बाद ही आत्मवृत्ति विकास लाभ करता है, आत्मा का वृत्ति का परिस्फुटन हो सकता है, उसका पहले नहीं। आत्मा का वृत्ति से साधन भक्ति प्रकाशित होने के साथ जीव ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति, उसका बाद प्रेम भक्ति, तो बुदूर की भक्ति बहुत दूर की बात है, धीरे धीरे जीव धीरे धीरे आगे चलकर भाव आसक्ति भाव इन प्रेम धीरे 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 आगे चले, और साधन भक्ति का परिपक्व अवस्था में भाव भक्ति प्रेम भक्ति तक प्रेम भक्ति का प्रकाश हो सकता है। जैसे कि एक कच्चा आम और कच्चा आम डासा और आम अगर पक्का हो जाए तो अलग भाव है ना। किंतु साधन क्रिया जैसे जैसे आम का कच्चा अवस्था और पक्का अवस्था है, किंतु साधन क्रिया इसी मापिक का वस्तु, कोई कोई आदमी ऐसा उदाहरण देते रहता है, स्वाभाविक रूप से ये उदाहरण देते रहता है बहुत आदमी, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो कच्चा आम और पक्का अवस्था आम का, लेकिन साधन क्रिया इस प्रकार का वस्तु नहीं है। साधन भक्ति और साधन क्रिया का परस्पर संबंध और भेद, परस्पर क्या संबंध है और इसमें फर्क क्या है, ये नहीं समझने से जगत में हजारों हजारों किस्म का कंट्राडिक्शन, हजारों किस्म का इनफाइटिंग और मिसकंसेप्शन, तरह तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इस बारे में कोई क्लियर कंसेप्शन किसी के पास नहीं है, और नहीं होने का कारण वो गुरु वैष्णव का हरिकथा नहीं सुनने से होता नहीं। ऐसा करके इस अवस्था का मूल्यांकन करना चाहिए। अभी काल चर्चा करते हुए 14 अध्याय का यहां तक आया, चर्चा करते करते जो रजस तमश्चाभिभूय सत्यम भवति भारत, रजः सत्यम तमश्चैव तमः सत्यम रजस्तथा, काल थोड़ा बहुत चर्चा हुआ,
फिर भी ये जरूरी है आज बोलना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे विचार हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सतोगुण पहले ही बताया, ये सतोरजो तमोगुण कहाँ से आए, ये सतोरजो तमोगुण कहाँ से आए, ये सतोरजो तमोगुण सब प्रकृति से आए, ऐसा मैटर है। ये चिन्मय कुछ नहीं है, सतोरजो तमोगुण जो है सब मैटर है, मेटेरियल माइंड भी मैटर है, बुद्धि भी, इंटेलेक्ट भी मैटर है, सारे मैटर है, सब प्रकृति का विषय। तो प्रकृति कैसे कैसे एक्टिव लगता है, कैसे कैसे प्रकृति भूतों का माँ भी सबको नचाती है, ये सब बारे में चर्चा किया। या भगवान कह रहे, हे भारत, हे अर्जुन, सतगुण जब रजो और तमगुण को बस में लाकर प्रतिष्ठित हो जाते, तब उस समय सतगुण का प्रोडोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है और रजोतम गुण फीका पड़ जाता है, सतगुण प्रबल हो जाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है रजोगुण प्रबल हो जाए प्रेडोमिनेटिंग फैक्टर, और तमगुण और सतगुण को अभिभूत कर दी अर्थात पराजित करके डोमिनेट कर दी। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो तमगुण का प्रभाव फैल गया ज़्यादा और तमगुण प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर और तमगुण रजोगुण और सतोगुण को अभिभूत पराजित करके अपना डोमिनेट को कायम किया, ऐसा हो सकता। कहने का मतलब है प्रकृति का जो त्रिगुण का मसला है, ये तीन गुण कभी भी अलग से नहीं रह सकता। पहले ये बात समझना है, प्रकृति का जो तीन गुण है सतो रजो तमगुण, ये अलग अलग रह नहीं सकता एक ही साथ, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अलग अलग रहे। ये तीन गुण कभी भी पृथक पृथक रह नहीं सकते, तीन जो है एक ही साथ रहने का वादा किए और एक ही साथ रहती है तीन गुण, किंतु किस परिमाण में, किस जीवात्मा के हृदय में, किस परिमाण में सतगुण का प्रभाव, किस परिमाण में किसी जीवात्मा का अंदर रजगुण का प्रभाव और किसी जीवात्मा का ऊपर तमगुण का प्रभाव कैसे कैसे हो, ये एक विचार का विषय है। हर आदमी का अंदर में जितना भी जीव जंतु है, जितना भी है स्थावर जंगम, सब त्रिगुण का समुन्दर में तैर रहा है। त्रिगुण छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता, त्रिगुण का पूरा समुन्दर है, त्रिगुण का बाहर कोई नहीं जा सकता, किसी का हिम्मत नहीं है त्रिगुण का बाहर जाए। त्रिगुण का अंदर समुन्दर का अंदर है, हो सके कि एक लहर आए रजोगुण का एक धक्का लगाए, पटक दिया एक धक्का लगा के, ये भी हो सकता है तमगुण आके एकदम धक्का लगा कर, है ना, टकराया सतोगुण का साथ और उसको, ऐसा हो सकता है। अर्थात जितना प्राणी है, जितना जीव राशि स्थावर जंगल, सब त्रिगुण का इन्फ्लुएंस का अंदर है। हो सके इसका परिमाण कैसा कैसा है, जैसे वृक्षों में तमगुण का प्रभाव जाता है, साबर जंगम में एक एक जंतु जानवर में तमगुण का प्रभाव जाता है। तो ये जो है, और रजोगुण का सतोगुण का प्रभाव होने से क्या होता है, इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। जीवों का अपना अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार, इसमें जीवात्मा जो पुरुष बैठा हुआ है और माया के कारण सोच रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी हूं, ये जीवात्मा का ऊपर प्रकृति का प्रभाव डायरेक्टली पड़ ही नहीं सकता, कोई कनेक्शन है नहीं। फिर भी माया के प्रभाव के कारण
जीवात्मा अपने को सुखी दुखी माया के प्रभाव के कारण अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि अनुभव चेतन का बिना संभव नहीं है। कोई मुर्दा बोल नहीं सकता मेरे को मारो मत, मुर्दा है, मुर्दा कैसे बोले। अर्थात अच्छा बुरा सुख दुख ये जो अनुभव है, ये अनुभव का जो विषय है दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर किस लिए, क्योंकि चिन्मय आत्मा अंदर में है शरीर का अंदर। अगर चिन्मय आत्मा नहीं होते तो सुख दुख कौन भोगने वाले, ऐसा है नहीं। बाकी जो है जो फीलिंग जो है आत्मा को ऊपर तो नहीं पड़ सकता, लेकिन आत्मा है तभी होता है। आत्मा को ऊपर सुख दुख बाकी जो प्रभाव जो है प्रकृति का नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी ये जो पड़ रहा है इसका जो फीलिंग आ रहा है ये फीलिंग एट ऑल आत्मा है, इसीलिए हो रहा है। तो जितना सारे जीवात्मा है अपना अपना पूर्व कर्मफल का अनुसार, अपना अपना पूर्व कर्मफल का अनुसार उसका अंदर में कितना तमोगुण का प्रभाव रहे, कितना अंदर कितना परिमाण में रजोगुण का प्रभाव रहे, कितना परिमाण में सतोगुण का, ये डिपेंड करता है। जिसका जैसा पहले संस्कार है, पहले स्वभाव है, पूर्व अदृष्ट है, इसी के मुताबिक ये जो इसका सत्व रजोत्तम गुण का जो जो परसेंटेज है ये डिपेंड करता है इसी का ऊपर, इसका पहला संस्कार कैसा है। किसी का अंदर में रजोगुण का प्रभाव रहता है जन्म का साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते रजोगुण का, किसी का अंदर में सतोगुण का प्रभाव रहे, किसी का अंदर में तमोगुण। फिर भी एक बात समझना जरूरी है, हो सके कि पूर्व जन्म का अनुसार इसका अंदर में सतोरजोतमगुण का किसी एक गुण का ज़्यादा प्रभाव रहे, बाकी दो गुण का कम प्रभाव रहे, ये हो सकता। बट दैट डजंट मीन ये गुणावली जो है पूरा तमाम जिंदगी भर ऐसा ही गुणावली रहेगा, ये मत समझा। ये मत समझना कि जो पूर्व कर्मफल का अनुसार जो एडमिक्सचर हुआ सतोगुण रजोगुण तो जो भी है पूर्व कर्मफल के अनुसार, महाराज ये पूरा जिंदगी ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं। इसी जन्म में इस जीवात्मा का कैसा कैसा संग होते रहता है, इसी संगों के ऊपर फिर अगले जन्म में ये शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में उसका कैसा कैसा रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का एडमिक्सचर कैसा बने, दैट डिपेंड अपॉन इस प्रेजेंट एसोसिएशन। इस जन्म में इसका कैसा एसोसिएशन हुआ है, और तमाम समस्या का समाधान एक चुटकी में हो सकता, वो है साधु संघ। साधु संघ होने से चाहे वो तमोगुणी है वैद, मैंने उदाहरण दिया अगले हरि कथा में, पिछले आगे हरि कथा में पहले उदाहरण दिए, जे तमोगुणी वैद जो है नारद जी का संपर्क में आए तो पूरा परिवर्तन सतोगुण बन गया, सतोगुण नहीं शुद्ध सतोगुण। पहले तो असर पड़ा शुद्ध सतोगुण हुआ, सतोगुण भी उसके बाद शुद्ध सतोगुण, दीक्षा लेने के बाद हरिनाम करने के बाद ऐसा करते वाल्मीकि मुनि रत्नाकर दर्शु कहाँ तक बताए, तमाम ये अजामिल का प्रसंग बताओ, पहले सतोगुण का प्रभाव ज्यादा, देखो विचार करके अजामिल अच्छा घराने का आदमी, ब्राह्मण घराने का, वो पूजा पाठ करता था सालेगाम पूजा, और फल फूल लाते थे जंगल से, और बुजुर्गों को सम्मान करते थे पिता माता और जो वरिष्ठ आदमी जो है सबको। अब क्या हो गया, भूत चढ़ गया उसका, हो गया तमोगुण का संग बेशा, हो गया छुट्टी, हो गया ना पूरा एकदम खत्म जीवन जिंदगी। उसका बाद क्या हुआ, फिर से आगे चलकर देखे नामाभास के द्वारा धीरे धीरे आगे चलकर मुक्ति, और उसके बाद फिर साधु संगो सत्संगो वैकुंठ पार्षद के संगो, जब तर्क हो रहा था मेरे कौन पापी है किसको ले जाना है, इस बारे में चर्चा हुआ था खुल्लाम खुल्ला चर्चा जमदूत और विष्णुदूत का बीच दोनों के बीच में आपस में हम लोगों का चर्चा हो रहा था। इट वॉज वन काइंड ऑफ सत्संग, अजामन के लिए सत्संग, इस सत्संग आगे चलकर
इसको पूरा समस्या का समाधान करें। तो ये नहीं कि पूर्व कर्म फल के अनुसार जिसका जो एडमिस्चर है या सतोरज तमोगुण के ही रहेगा, ये परिवर्तन परिवर्तन हो सकता। संगो जो संस्कृत हेतु हो अस्व विहित हो धिया स्व एव साधुसुकृत हो मोक्षदारम अपापृतम, है ना। ऐसा करके देखा जाए सतोरज तमोगुण का साथ मेरा आत्मा का कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मैं फंस गया हूँ भूतों का माफी। पिसाची पाइले जो था पिसाची पाइले जो था मतिच्छन्न होय मायाबद्ध जीवेर होय सही भाव उदय। जब भी कोई संबंध नहीं है हो नहीं सकता, क्या करे, बद्ध अवस्था में जीवों का ये असर तो पड़ेगा ही। आ पिसाची पाइले जो था मतिच्छन्न होय मायाबद्ध जीवे रहे से भाव उदय। ये समय यूं समझ लो कि ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन होते रहेंगे। तो ये बात जो श्लोक जो है रजस्तमश्च अभिभूयो सत्यम, ध्यान से सुनना, रजस्तमश्च अभिभूयो, रजस्तमश्च अभिभूयो सत्यम भवति भारत, रजः सत्यम तमश्चैव तमः सत्यम रजस्तथा, हो गया ना। ऐसा करके विचार करना और जनरल डिस्कशन करे तो यूं बाद में और डिटेल्स में चर्चा करने की इच्छा, काल अच्छा चर्चा हो नहीं पाए, कुछ कारण था। तो ये जो है जीव जो पूर्व कर्म फल में हो गया और किसी का अंदर में सतोगुण का प्रभाव आया तो इसमें क्या है, सुखे बंधा अर्थात इसका सुख शांति, लफड़ा नहीं चाहता है, कोई झमेला में नहीं पड़ना चाहता है, ओ चलो ठीक है, सतोगुण सुख में सुख शांति के द्वारा इसका इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बॉन्डेज, ये भी आसक्ति, आसक्त करके इसको बंधन में डालता है। डिटेल डिस्कशन बाद में हो पाएगा थोड़ा देर बाद। अब किसी जगह रजोगुण का प्रभाव अगर फैल गया किसी का हृदय में तो कर्मों में आसक्ति, एंटरप्रेन्योरशिप, हम ये करेंगे फलाना करेंगे, ये कर्म आसक्ति जन्मा है, हो गया, कर्म में आसक्ति होता है और बहुत एकदम भागादूरी करता है, हम कर लेंगे, हाँ महाराज आप चिंता मत करो हो जाए। और तमगुण का प्रभाव जो फैले तब निद्रा प्रमाद आलस्य जितना सारे दुर्गुण है ये प्रभाव फैलता है। तो इसके कारण देखो जब भी जीवात्मा का साथ कोई संबंध नहीं फिर भी ये अगले जन्म के लिए दैट इज द रीजन, कैसा खतरनाक है देखो, मेरा अगले जन्म कैसे हो सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्री मोड्स ऑफ नेचर। ये तीन गुणों का जो प्रभाव है मेरे को मजबूर कर देंगे अगले जन्म में क्या होगा, किस जोनि में जाने के लिए मजबूर कर देंगे, देखो क्या बात है। अलग अलग जीवात्मा का अंदर सात्विक राजसिक तामसिक ये इसका प्रभाव के कारण इसका जो स्वभाव जो है प्रकृति जो है अलग अलग का हो सकता, इसका जो स्वभाव जो है अलग अलग बनता है, क्या करे। इसके बाद भगवान कह रहे हैं अर्जुन सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्वाद विवृद्धिम सत्वम इति उतो। जब भी काल हुआ चर्चा थोड़ा बहुत हम भी आज करना चाहे। सर्वोद्धारेशु भगवान कह रहे हैं सर्वोद्धारेशु देहे अस्मिन, ये शरीर का अंदर एक प्रकाश जैसा फैलता है प्रभाव। सर्वोद्धारेशु देहे अस्मिन देहे अस्मिन देह, ये शरीर का अंदर प्रकाश उपजायति, प्रकाश ज्ञान का लक्षण है। तो सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन
I mean asmin dehe sarvadareshu dehe asmin prakasa upajayate jnanam jada tada vidvat vibridhim svatvam iti utho. Dhyan se sunna. जिस समय में ये शरीर का ऊपर हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, जितना सारे मतलब कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो तमाम चीज का ऊपर एक प्रकाश जैसा प्रभाव फैलता है. जिस समय ये शरीर का अंदर में जितना सारे इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो टुगेदर विद द माइंड, मन का साथ ये शरीर के सूत्रादि एक्सेट्रा अतः सवर्ण इंद्रिय आदि सर्व इंद्रियों द्वारा एक प्रकाश जैसा फैलता है, एक ज्ञान उत्पन्न होता है. ज्ञान माने ये इसका एक्चुअल मीनिंग है द सेंसिटिविटी ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स टुगेदर विद माइंड. इसको बढ़ते चलता है, मतलब कोई भी, क्योंकि ध्यान से सुनना, विचार करना, हमारा जीवन जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया है, कैसे किया है बट थ्रू सेंस ऑर्गन. आई बात समझ में? जन्म से लेकर आज तक जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया, मेटेरियल नॉलेज, जितना सारे नॉलेज इकट्ठा किया है all through sense organs sensitivity dikhaya, uska baad ek vichar mastishk ke intellect mein aaya, man mein prabhav jamaya aur knowledge ka store mein reh gaya. Aayi baat samajh mein? Jitna bhi knowledge aaya, jaye to mridu kathin thanda ya garam, ye sparsho tanmatra ke dwara hua. Sparsho to mein tangible aankhon ke dwara bhala bura dekha hai, देखा ना, कानों के द्वारा भला बुरा सुना है, जीवा के द्वारा अच्छा मिठाई और गटिया जी सब खाया है, जीवा के द्वारा स्वादन की है, त्वचा के द्वारा ये गर्म है, ये ठंडा, ये अनुभव की है. जितना सारे नॉलेज है, सारे इस सेंसुअल ऑर्गन जो है, जितना सारे इसका जो सेंसिटिविटी है, इसके द्वारा अनुभव करने के बाद अल्टीमेटली मन और बुद्धि का विचार बनाया, अल्टीमेटली स्टोर, हमारे जो नॉलेज का जो स्टोर है, नॉलेज बैंक, एक्सपीरियंस बैंक का विचार करो. इसमें जितना सारे एक्सपीरियंस आज तक हुआ है, सारे एक्सपीरियंस जो है, ये सारे के सारे हम सेंस ऑर्गन माइंड इंटेलेक्ट के द्वारा कलेक्शन किया है. तो कहने का मतलब है, जब सेंस ऑर्गन सारे इतना एकदम सूक्ष्म भूमिका में जाने के लिए बतत, मतलब इसका सेंसिटिविटी बढ़ते रहता है, इस समय में तमाम सेंस ऑर्गन के द्वारा एक अच्छा चीज देखे, बुरा चीज देखे तो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इसका दर्शन करने का जो सेंसिटिविटी, ये अच्छा देखने का ओर भाग रहा है, पहले ही बताए सतगुण में, और तमगुण बढ़ते चले तो वो तो घटिया चीज देखने के लिए, जितना सारे एकदम घटिया है, जितना सारे एकदम नरक का चीज देखने के लिए इच्छा होती है. तो ऐसा करके जितना सारे सेंस ऑर्गन है, माइंड है, सतगुण अगर प्रभाव जमाए शरीर का अंदर, तो इसका मतलब है तमाम सेंस ऑर्गन जो है, ये जितना सारे इसका जो कैपेसिटी है, ये अच्छा का ओर भागता है, अच्छा का ओर भागता है. तो ये जो है, इसके द्वारा जितना सारे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए लग जाता है, सतगुण के द्वारा, सतगुण का इंटेलेक्ट, सतगुण का मन, सतगुण का विचार, सतगुण का सेंस ऑर्गन, वो घटिया चीजों पर रमन करने के लिए इच्छा नहीं होती. यद्यपि ये भी खराब है, अच्छा नहीं, फिर भी जितना सारे सेंस ऑर्गन है, माइंड है, रेस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन का जितना सारे अच्छा चीज है,
इस ओर भागता है, मतलब नॉलेज इकट्ठा करने के लिए ये मेरा बड़ा इसका अंदर में प्रभाव जमता है, ये नॉलेज इकट्ठा करो। तो ज्ञान इकट्ठा करना और झमेला में नहीं पड़ना, क्या होगा महाराज जी, झमेला में नहीं पड़ना, ये सब जो है अप्राकृत विषय में नहीं बोल रहा हूँ, प्राकृत विषय में झमेला में नहीं पड़ना, ये सब हमको शांति रखना है, ऐसा करके जो विचार बनाता है ये सारे प्राकृतो सतगुण, अर्थात मैं बोलना चाहूँ ये मेटेरियल जगत का जो सतगुण है इसका प्रभाव जमने से ये तमाम इंद्रिया का जो है रेस्पेक्टिव इंडिया का सेंसिटिविटी और बढ़े और अच्छा का और दौड़े। तो सर्वोद्धारेषु देहे अस्मिन, पहले भी ये बताया था, काल शायद अच्छा चर्चा हो नहीं पाए, तो ये जो है क्या बताए काल, वो जो आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि, याद है ना, योग का चाहे कर्म योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, ध्यान योग बोलो, राजगुह योग बोलो, भक्ति योग बोलो, कुछ भी योग, सबसे प्रिलिमिनरी चीज, चिल्मी प्रिलिमिनरी चीज है मन को बस में लाना, सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज, दैट इज द बेसिक थिंग। इसके बाद और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि, जब तक आहार शुद्धि न बन जाए मन को काबू में लाना, बस में लाना क्वाइट इम्पॉसिबल। अब मन को आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि, मतलब आहार का मतलब सब हम महाराज हम प्रसाद पाते हैं, या तो हम नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, ये हो सकता विचार, लेकिन यह विचार ये है कौन कैसे शुद्ध आहार को ग्रहण करे। हम नॉन वेज भेज इसका बारे में नहीं चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भेज भी खाए, भेजिए भी खरे, अगर ऐसा सोर्स से खाए जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, इसका हाथ में खाए तो उसका असर तो पड़ेगा। तो आहार शुद्धत मतलब आहार शुद्धा मतलब भोजन भी करे या प्रसाद भी ले, ये प्रसाद जो आप दावा करते हो कि प्रसाद है, लेकिन पहले देखो ये किसने बनाया था और किसका पैसा से बनाया, ये देखो नहीं, क्योंकि महाप्रभु का शिक्षा पहले की शिक्षा क्या, जे विषयर अन्न खाइले मलिन है मन, विषय मैंने मेटेरियल आदमी, कोई चोर गुंडा बदमाश कैरेक्टर लूज है, कुछ भी है, पैसा वाला है, उसमें आकर्षण है पैसा का ऊपर, और खराब सोर्स ऑफ इनकम वेरी बैड। तो आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि का बड़ा बड़ा चैप्टर चर्चा उपदेशामृत में ये आ सके, चर्चा हो सके, हो सकेगा। तो आहार शुद्ध्यात मतलब जो भोजन करे वो प्रसाद भोजन करे, वो भी विशुद्ध है कि नहीं ये पक्का कर ले, ये प्रसाद है, मेक इट श्योर दैट इट इज प्रसादम, अच्छा जगह से संग किया, ये प्रसाद है, और बस आंखों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का चरण का दर्शन, ये प्रसाद, कानों के द्वारा गुरु वैष्णव का कथा का विशुद्ध गुरु वैष्णव का हरि कथा कीर्तन श्रवण करो, ये एक प्रभाव है आहार शुद्धि, कानों के द्वारा, हस्त के द्वारा, जैसे उदाहरण दे अम्बरीश महाराज के, सब ही मन कृष्ण पदार विंद योर बाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो तत् मंदिर मार्जनादिशु हैं श्रुतिम चकारोच्युत सत्कथोदये, श्रुतिम चकारोच्युत सत्कथोदय, कैसे देखो ये अम्बरीश महाराज का ये श्लोक है, ध्यान देना, ये विचार बनाने का पहले ही क्या बना, सब ही मनो, क्या चर्चा हुआ था हमारा अभी तक, अम्बरीश महाराज का चर्चा के बारे में सुखदेव गोस्वामी पहले बताए, ये मन सब ही मनो कृष्ण पदारविंद, अगर मन ही चला गया इधर उधर बास हो गया, बाकी इंद्रिया के द्वारा जितना बारी सेवा करो सब पानी में गया ना, सब ही मनो कृष्ण पदार्थ, इसलिए पहले ही सबसे पहले माइंड का दिग्दर्शन किया, या मन कहाँ है आदमी वहां रहता है, मन क्या करता है, मन इंद्रिया के द्वारा जो सब चीज होते रहता है, ये मन अगर सपोर्ट नहीं किया तो होगा नहीं,
तो ये जो है आहार शुद्धि और मनोशुद्धि का व्यापक अर्थ है, हैं? इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने अच्छा खाना बनाया, ये नहीं। तो तमाम इंद्रियों को अच्छा चीजों में लगाना, प्रसाद ये करने से आहार शुद्धि और मनोशुद्धि इसका सक्सेस हो सकता। सिर्फ खाना अच्छा बनाने से होगा नहीं। बहुत आदमी हैं शाकाहारी हैं लेकिन उसका मन ठीक नहीं उन लोगों का। तो ये प्रभाव जो है ये है। तो ये 11 नंबर श्लोक का ये माने जो है, सर्वोद्धारिषु देहे अस्मिन प्रकाश उपजायते। जब सर्व इंद्रियों एवं मन में, मन का ऊपर एक प्रकाश फैलता है और ज्ञान का संग्रह के लिए ज्ञान के संग्रह के लिए एकदम ज्ञान का संग्रह होता है इसमें ज्ञान, है ना। सर्वोद्धारिषु देहे अस्मिन प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्यात विवृद्धि सत्तम इति उतो। इस समय में तमाम इंद्रियों के ऊपर सतगुण का प्रभाव अच्छा प्रभाव देखा जाए, प्रकाशमय प्रभाव देखा जाए, तो ये समझो कि सतगुण का वृद्धि हुआ। जिस समय ये शरीर मन औसत जितना सारे इंद्रियां हैं सब ज्ञान प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश भूमिका में आता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न करता है। तमाम सेंस ऑर्गन इसी में लग जाता है ज्ञान को संग्रह करने में, वो भी घटिया ज्ञान नहीं है। तो इस समय सतगुण का वृद्धि प्राप्त हुआ, ये समय यूँ समझ लो ये सतगुण का वृद्धि है, सतगुण का प्रभाव, सतगुण ने प्रभाव जमाए। इसके बाद 12 नंबर श्लोक में बताते हैं जो लोभ प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति लोभ प्रवृत्तिर आरंभो है कर्म ना असमह स्पृहा। ध्यान से सुनना, लोभ प्रवृत्ति रारंभो, ध्यान से सुनना, लोभ प्रवृत्ति रारंभ कर्मणा अशमः स्पृहा। रजसेतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षव। क्या बोला हे भरतर्षव, लोभ, लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब है जो कुछ हमारा पास है इसी में संतुष्टि ने, किसी को अच्छा चीज देखा इसमें लोभ आई। लोभ मतलब परोदब्रो गौण का इच्छा। संत महात्मा का जो कुछ भी है पक्का संत महात्मा का लक्षण है यथा लाभे संतुष्टि। और लोभ जो है बाकी दुनिया का जितना सारे आदमी है कोई दबा नहीं कर सकता मेरा अंदर लोभ नहीं, मोर और लेस सब कोई का अंदर में लोभ का वृत्ति जरूर है। कोई बोल नहीं सकता मेरा अंदर लोभ नहीं है, वो बोली नहीं कम या ज्यादा। तावत भयम दबिन देह सुहित निमित्तम तावत स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ। फलो ये श्लोक का चर्चा होनी चाहिए, अगले सप्ताह होगा। तावत भयम दबिन देह सुहित निमित्तम तावत स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ। हैं तावत ममो इति असत अवग्रह आर्तिमूलम जावन नौते अंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोका। श्लोक का चर्चा अगले सप्ताह होगा। लोभ प्रवृत्ति लोभ प्रवृत्ति रारंभ कर्मना अशमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ध्यान से सुनना हे भरतर्षभ, लोभ मतलब अपना पास जो है उसी में संतुष्टि नहीं है, दूसरे का द्रव्य को लेने का इच्छा। कब ये सब? राम नाम जपो और धीरे धीरे दूसरे का संपत्ति ले लो, धीरे धीरे राम नाम जपना परायमल अपना। लोभ मतलब क्या है? परोदब्ब ग्रहण का इच्छा। लोभ का मतलब है परोदब्ब ग्रहण का इच्छा, साधु होने का बावजूद हरे कृष्ण 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 हरे राम करते रहते,
राम नाम जपना और परायमल अपना, ये कोशिश में रहे। और लोभ मतलब है परदोभ, दूसरे का वस्तु को लोभ देना, मतलब दूसरे का वस्तु प्राप्ति करने का इच्छा, ग्रहण इच्छा। आपने एक अच्छा बिल्डिंग बनाए, वो बिल्डिंग तो ले नहीं सकते लेकिन इच्छा होता है ये बिल्डिंग मैं ले लूं। तो लोभ मतलब परदोभ ग्रहण का इच्छा। प्रवृत्ति मतलब सर्वदा कर्म करण इच्छा, प्रवृत्ति मतलब चुप नहीं ठहर सकता, अब कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हैं चंचल भाव। प्रवृत्ति मतलब सर्वदा कर्म करण इच्छा, कर्म करने का प्रवृत्ति है इच्छा। और कर्म नाम आरंभ, कर्म का उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप। असमह मतलब मन में कोई असमह मतलब असमह मतलब असम मतलब नॉट प्लेन। लिटरल मीनिंग अगर देखो असम, असम माने असम देश, असम देश क्यों हुआ, वो प्लेन नहीं है, प्लेन माने वो फ्लैट नहीं है, अप एंड डाउन। दे यहाँ जो असम शब्द यूज किए, ये असमह इसका माने इसका सिमिट्री नहीं है, अर्थात इसका अंदर में कोई बेचैनी भाव है, अशांति, हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं, अस्थिरता, इसका मतलब असमह। इसका मन जो है एकदम पैरेलल नहीं हुआ भगवान का साथ, गुरु वैष्णव का साथ, ये असमह मतलब अशांति और बेचैनी, ये असमह। स्पृहा मतलब विषय संगो करने का इच्छा, स्पृहा। ये जो श्लोक बताया ना, ताप स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभः, ये बताया ना अभी, ये स्पृहा का मतलब विषय का आकांक्षा। एतानी मतलब ये जो सिम्टम बताए हे अर्जुन, ये जो एतानी ये सब जो लक्षण बताए, ये सब जो लक्षण हमने बताए, ये दो सिम्टम्स गोइंग टू प्रूव दैट रजगुण इज इन प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर इनसाइड योर हार्ट। आपका हृदय में रजगुण का प्रभाव है, ये साबित करे, ये प्रमाण करे। और रजसी विवृद्धे, रजगुण का वृद्धि पाइले, रजगुण वृद्धि होने से ऐसा ऐसा सिम्टम जो है जायंते दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? तो 11 नंबर 12 नंबर दोनों ध्यान से सुनना। सर्वोद्धारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्याद विवृद्धि सत्वम इति उतः। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मना असमह स्पृहा, रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षव। आई बात समझ में? और 13 नंबर श्लोक में आगे चलकर भगवान कह रहे हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। आई बात समझ में? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। मतलब क्या है? हे कुरुनंदन, अप्रकाश, अप्रकाश का माने लिटरल मीनिंग जानती हो, अप्रकाश का लिटरल मीनिंग जानते हो? प्रकाश माने प्रकाशहीन, अप्रकाश मतलब प्रकाशहीन, और अंधेरा बोल सकते, अंधेरा छा गया। अप्रकाश का ये भी माने हो सकता है अंधेरा छा गया, अप्रकाश अंधकार अंधेरा। और एक माने हो सकता है अप्रकाश मतलब विवेक गिर गया। आई बात समझ में? अप्रकाश का मतलब विवेक उसका ड्रॉप हो गया, विवेक इतना कमती पर गया कि नाई का बराबर, ये अप्रकाश है। क्योंकि प्रकाश में लाता है विवेक, विवेक अगर गुम हो गया तो क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अप्रकाश का दूसरा एक माने हो सकता विवेक अंशों का ड्रॉप हुआ, अर्थात विवेक गिर गया। अप्रवृत्ति
अप्रवृत्ति अप्रकाश का माने आया, समझ में आया? तो ये जो श्लोक में अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो का माने हुआ दो माने, एक अंधेरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरा माने बोला विवेक ड्रॉप हो गया, विवेक कमती हो, इतना विवेक गिर गया कि उसका कोई विवेचना जो है, इसका रैशनैलिटी पावर जो पूरा खत्म, अप्रकाश, क्योंकि प्रकाश में लाता है विवेक, विचार शक्ति। क्यों एक आदमी का इतना सम्मान है जगत में, दूसरा आदमी का नहीं है? किस लिए? घटिया काम करता है, अप्रकाश। अप्रवृत्ति मतलब अप्रवृत्तिंच मतलब अनुद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव है, और आलस्य बोला जाता है, आलस्य भी, अरे काल करेंगे, चलो कोई बात, अरे काल हो जाएगा, काल आए महाराज आज, अच्छा काल हो जाएगा, ठीक है चलो, ये आलस्य है, आलसी, राम भजन का आलसी और भजन भोजन का होशियार। जो अप्रवृत्ति मतलब उद्यम नहीं है। बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र में, ये चर्चा भी हो सकता अगले सप्ताह, बहुत सुंदर सुंदर। तो अप्रवृत्ति मतलब अनुद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव, कुछ करने का इच्छा ही नहीं, और एक दूसरा माने आलसी, अरे आज करेंगे, चलो कोई बात, आज चले रहने दो, आज हो गया। प्रमाद का मतलब, प्रमाद मतलब कर्तव्य का विस्मृति, क्या करना है नहीं करना है, ये उल्टा कर रहा है, क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या, व्हाट इज योर ड्यूटी, इसका गलती कर रहा है, ये प्रमाद, ये करना चाहिए उल्टा कर दी, प्रमाद बोल के। प्रमाद का और एक माने भी हो सकता, एब्सेंस ऑफ अटेंशन, एस अटेंशन अनवधान, इसका जो अनवधान मतलब अटेंशन का अभाव, ये प्रमाद। मोह मतलब विपर्जय, मोह मतलब विपर्जय बुद्धि, मोह का मतलब है बुद्धि खराब हो गया, बुद्धि मारा गया, मोह मतलब विपर्जय बुद्धि, विपरीत बुद्धि। और एक माने हो सकता मिथ्या फॉल्स अभिनिवेश, दूसरा एक माने हो सकता फॉल्स अभिनिवेश, गलत, सरासर गलत, गलती, झूठा अभिनिवेश, इसमें अटेंशन अभिनिवेश करना ठीक नहीं है, फिर भी आ गया, तो ये मोह आया, ये दूसरे का पत्नी, ये उसको देख के तुम्हारा क्यों आई ऐसा मोह प्राप्त, नहीं उचित नहीं, उचित नहीं है ना, ये मोह है, मिथ्या अभिनिवेश। एवच मतलब ये सब लेकर मिलाकर, ये सब सारे मिलाकर, एतानी तमसी विवृद्धे जायन्ते, मतलब क्या है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानी जायन्ते, एतानी ये जो लिस्ट बताए, ये लिस्ट ये तमगुण का वृद्धि का इंडिकेशन है, तमस्येतानी जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन, जब तमगुण का वृद्धि हो जाए तो यूं समझ लो ये इट इज वन का इंडिकेशन, जो लक्षण बताए तमगुण का इंडिकेशन है। जदा सत्य प्रवृत्ते तु प्रलयम जाति देहवृत, जब सतगुण प्रबल रहने का समय, जब सतगुण का प्रभाव रहने का समय कोई अपना शरीर को छोड़ता है बा छोड़ती है, जो भी हो, सतगुण वृद्धि का समय जीवों का मौत होने से अतः शरीर छोड़ने से उत्तम तत्वविद
गण का प्राप्तो प्रकाशमय दिव्यो लोक्स प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अब प्राकृत भूमिका में जा नहीं सकता क्योंकि ये प्राकृत सतगुण है, ध्यान देना, ये प्राकृत सतगुण है। ये सतगुण भी हमारा दर्शन नहीं, ये सतगुण हमारा जरूरी है नहीं, लेकिन ये कहने का बात है, जदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलयम जाति देहोवृत तदोत्तम विदाम लोकानम अमलानो प्रतिबद्धते। मतलब ये है, सतगुण का वृद्धि का समय अगर जीव अपना शरीर को छोड़ दी, उस समय उत्तम तत्वविद तत्व जाने वाले जो है गणों का प्राप्तो, ये लोगों का लिए जो जो जगह है चुना हुआ जाएगा, तत्वविद गणों का प्राप्तो चुना हुआ जाएगा, प्रकाशमय दिव्यो, प्रकाशमय दिव्यो लोक सकल ऊपर पर भूर भुव स्व महो यनो तपोसती। लेकिन ये प्रकाशमय दिव्यो, दिव्यो बोलने का साथ साथ आप समझो कि चिन्मय है, ये नहीं, दिव दिव धातु से दिव्यो हुआ है, दिव माने चमकना, दिव दिव धातु का माने है चमकना, चौकीले चमकना, प्रकाश प्रकाश करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं प्रकाशमय दिव्यो लोग मतलब गोलोक बोई, नहीं नहीं ये नहीं, इसका माने ये नहीं, यह माने क्या है, सतगुण का वृद्धि होने का साथ साथ अगर जीवों का मौत हुआ तो उत्तम तत्वविदों का लिए जो जगह चुना हुआ जगह है ऊपर 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 ऊपर, ये देवी लोग जो है ये देवी धाम है, ये देवी धाम है, ये देवी धाम में ज्यादातर रजगुण का आदमी का स्थान ज्यादा है, ये देवी धाम में ऊपर भूर भुव स्व महोजनो तपस्वत ऊपर जाओ, ये प्रकाशमय लोक, महोजनो तपस्वत तपोलोक में कौन रहता है, जनोलोक में कौन रहता है, स्वर्गलोक में कौन रहता है, सारे विचार है। ये इसका कहने का मतलब है, इसका सतगुण का कितना प्रभाव आया है, इसका सतगुण तो वृद्धि हो ठीक है ये तो मान लिया, लेकिन कितना सतगुण वृद्धि, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन ही वुड बी टेकन है नो ग्रेजुअली ऑफ एंड ऑफ, ऊपर ऊपर लोक में प्रकाशमय लोक जो है इस प्राप्त दिव्य लोक सकल प्राप्त हो सकता है, चलो ठीक है। अगले वाला श्लोक में कह रहे हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तदा प्रलीनस्तमसी गुड़ो जनी सुजायते। माने क्या है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तदा प्रलीनो स्तमसी मूरो जनीषु जायते। ध्यान देना, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन स्तमसी मूरो जनीषु जायते। मतलब यह है, जब देखोगे किसका अंदर में रजगुण का प्रभाव वृद्धि हुआ, रजगुण का प्रभाव का वृद्धि का साथ साथ उस समय अगर में मौत हो तो कैसा मापिक रजगुण का कितना वृद्धि हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन के अनुसार कर्म अशक्त मनुष्य जोनि में उसका जन्म होता है, अर्थात ये देवी धाम में रजोगुण का वृद्धि का साथ साथ मृत्यु होने का साथ कर्माशक्तो कर्म में आशक्ति रखने वाले मानव जनि में इसका जन्म हो जाएगा। और दूसरा, एक तमोगुण का वृद्धि के समय अगर किसी का मौत हो गया तो ये बड़ा नीचा घराने का आदमी एकदम या तो निषाद आदि आ सब ओ हुआ, और नहीं तो और ज्यादा तमोगुण बहुत ज्यादा है तो ये पशु पक्षी के जोनि में जाए। ऐसा करके शतरजतम तमगुण का कितना सुंदर प्रभाव जमाया ये जगत का ऊपर, इसका एक बड़ा सुंदर पिक्चर सामने आए। चलो आगे चल के 16 नंबर श्लोक में
बता रहे हैं कर्मणः सुकृत स्वाहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब इसका रिजल्ट क्या है इसका बारे में कर रहा है। कर्मणः सुकृत स्वाहु सात्विकम, जिसका अंदर में सात्विक प्रभाव जमाया आया सतगुण से क्या हो सकता, भले सतगुण का प्रभाव ज्यादा होने से ये ज्ञान ज्ञान को संग्रह कलेक्शन करने में लग जाएगा, तो ज्ञानी होने का कोशिश करे। हमारा भक्ति राज्य में ज्ञानी होने का भी दरकार नहीं है और ज्ञानी होने का भी दरकार नहीं, दोनों में ज्ञानी होने से अभिमान होगा, अरे मैं बड़ा ज्ञानी हूं मैं जानता हूं फलाना सब ये सब बोले, तो ज्ञान और अज्ञान दोनों का ही दरकार, अप्राकृत ज्ञान। तो यहां जो बताया गया जे कर्मणः सुकृत स्वाहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम, तो ये जो है ज्ञानीगण भले भले सात्विक पुण्य कर्मों का फल जो है, जो आदमी सात्विक भूमिका में है उसका कर्म भी, जो व्यक्ति सात्विक भूमिका में है और जरूर वो सात्विक कर्म करेगा। आई बात समझ में, जो सात्विक भूमिका में है वो क्या तामसिक कर्म करेगा क्या, कभी नहीं कर सकता, अगर गलती से भी कर दिया तो माफी मांगेगा। सो सात्विक पुण्य कर्मों का जो फल है वो सुख, बेहतर सुख, निर्मल, और निर्मल शब्द हम यूज नहीं कर सकता क्यों, निर्मल मतलब नाई मल, ये जड़ जगत का आदमी ये सब यूज करता है, निर्मल बोल दिया कि निर्मल का माने ही नहीं जानता, निर्मल का माने हैं जरा सा भी कंटामिनेशन नहीं है, नाई मल बांग्ला में कहे तो नाही मल जहा वो निर्मल, जहां मल नहीं है, मल मतलब कंटामिनेशन, वेयर देयर इज नो मेटेरियल कंटामिनेशन, इसको निर्मल बोला जाता है। फिर भी हम निर्मल शब्दों को यूज किया है समझाने के लिए, चलो कोई अगर समझे तो ठीक है, कोई झमेला नहीं चाहता और शांति सुख शांति चाहता है ठीक, चलो ठीक है। तो ये जो माने हैं सात्विक पुण्य कर्मों करे तो ये इसका फल है सुख बड़ा, और राजसिक कर्म करते चले इसका रिजल्ट क्या है, ये इसका फल है दुख। बोले क्यों दुख बोला, सुख भी तो हो सकता है, एसी में रहता है ये हाँ ये सुख है, लेकिन ये सुख नहीं है, सुख का मिस इंटरप्रिटेशन, इसीलिए इसको दुखी माना जाएगा, क्योंकि उसको उस अवस्था से जरा से भी हटाया जाए तो दुख आएगा, तो ये सुख का क्या स्टेबिलिटी है, जो सुख अभी भोग रहा है उसका क्या स्टेबिलिटी है, वो है नहीं, तो इसके लिए परिणाम जो है दुख है, इसलिए दुख ही बताया। सो राजसिक कर्मों का फल दुख है, क्योंकि आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो करते चलो शरीर का सुख का बारे में सोचता है, ठीक है चलो मेटेरियल माइंड का, और तामसिक कर्म करते चले इसका फल रिजल्ट है अज्ञान, तमसा अंधकार, अज्ञान। तत्वविद गण जो है तत्वविद पुरुषों ने ऐसा व्याख्या की, तो सात्विक कर्मों का कर्म करने का जो फल है इसमें एकदम सुंदर सुख है, सुख शांति निर्मल, निर्मल शब्दों तो अप्राकृत जगत में यूज करें तो अच्छा है, नहीं तो गलती हो जाएगा। जहाँ राजसिक कर्म जो है इसका अल्टीमेट रिजल्ट दुख है, और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है, अंधेरा है, और ये तत्वविद बनो ने ये सब व्याख्या की है। और ये सतोगुण से क्या होना है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सतोगुण से क्या होना है, सत्यात संज्ञायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, सत्वगुण विद्धि हो सत्कर्म करे तो इसमें सत्यात संज्ञायते ज्ञानम, पहले भी चर्चा किया, सारे इंद्रिया सेंसिटिविटी बढ़ जाए और एक एक इंद्रिय के द्वारा अच्छा अच्छा चीज को कलेक्शन करने में लग जाए,
इस गुण 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 गुणावली संगो करे, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान को कलेक्शन करने में लग जाए। जब भी ये ज्ञान अपराकृत ज्ञान जरूर नहीं है, ये तो अपराकृत भूमिका में होता है अपराकृत ज्ञान, तो सत्यात संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पादन हो सकता है, वो भी मेटेरियल ज्ञान, मेटेरियल ज्ञान। मैंने देखा अपना जिंदगी में जितना सा साइंटिस्ट है बड़ा बड़ा सब, ये उसका कमरे में घुसो तो देखो क्या पूजा कर रहा है। उसका कमरे में घुसता था लगता है कि वो कुछ ध्यान जमा हुआ है, लगता है कि किसी का पूजा में व्यस्त है। मेटेरियल प्रोफेसर मीत चौधरी आदि सब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हैं, तो ये जो है ये लोग जो है ये भी एक किस्म का पूजा कर रहे हैं, भगवान का पूजा तो नहीं कर रहे, तो कर रहे इनडायरेक्टली कर रहे हैं सब। तो सत्यात जायते ज्ञानम, ज्ञानी है, माथा को नीचा करके बात करते थे ये लोग, अहंकार नहीं है बाहरी दृष्टि में, अहंकार तो है ही है लेकिन बाहरी दृष्टि में अहंकार नहीं पता चलता है। बाहरी दृष्टि में लगता है आइंस्टाइन का अहंकार नहीं था, फिर भी था थोड़ा बहुत तो होगा ही। क्योंकि वो ये तो मेटेरियल ज्ञान है, बाहरी दृष्टि में लगता है कि अहंकार बिल्कुल नहीं है। तो सत्यात संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। और बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग है, बड़ा बड़ा फिलोसोफर है, बड़ा बड़ा सब है, सब है ना, सब लोग ये सब है। अगर मेटेरियल अहंकार रहे तो ज्ञान कम हो जाएगा, इसलिए मेटेरियल अहंकार उसका बाद देख, मेटेरियल अहंकार थोड़ा बहुत हो सकता लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण है, आइंस्टाइन को बुलाया था रानी एलिजाबेथ, वो अपना गया जाने गवा स्टेशन से पैदल गया, रानी का साथ देखा, और रानी ने पूरा एकदम म्यूजिक पार्टी दे के रिसेप्शन पार्टी भेज दी। अब गेट में आके बोलता है किसको मिलना है, बोले बुलाए हैं रानी, बुलाई है रानी को, खबर दिया कौन आया, बोला आंसर हम तो म्यूजिक पार्टी भेज दिया रिसेप्शन पार्टी। और जब बाहर आए, अरे आप आए ऐसे कैसे कैसे आए, बोले क्या क्यों, बोले आपका लिए तो रिसेप्शन पार्टी भेज दी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब भेज दिए, बोले हम तो सोच ही नहीं सकता कोई मेरे लिए कोई कोई ऐसा व्यवस्था कर सकता। तो ये भी बहुत अच्छा, खराब नहीं है, अच्छा ही है। चलो मैं आशा नहीं कर सकता किसी ने मेरे लिए, मेरा जैसा आदमी, मैं सामान्य आदमी हूँ, तो ये भी देखो अहंकार है थोड़ा बहुत हो सकता लेकिन ज़्यादा नहीं है मटेरियल। तो ये जो है सत्यात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव छ, रजोगुण वृद्धि होने का साथ साथ लोभ आएगा, लोभ ये हमारा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, असंतोष बोल के कुछ चीज ही दिखाई नहीं पड़ेगा, रजोगुण का प्रभाव है। रजसो रजसो लोभ एव छ आर प्रमाद, प्रमाद का व्याख्या किया, मोह का व्याख्या किया, तमस का व्याख्या किया सारी। सो प्रमाद मोह, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। तो सतगुण उत्पन्न होने का साथ साथ ज्ञान वृद्धि हो सकता, मेटेरियल ज्ञान उत्पन्न हो सकता, रजोगुण वृद्धि का साथ साथ लोभ और तमगुण वृद्धि का साथ साथ अज्ञान प्रमाद मोह अंधेरा छाएगा, ऐसा इसका अल्टीमेट रिजल्ट। और अगले श्लोक में व्याख्या की, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, और जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। क्या बताए, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में अधिष्ठित हो गया ये ऊपर ऊपर लोक में जाएगा, ये जो जाएगा ना सत्वगुण उत्पन्न है वो ऊपर ऊपर लोक में जाएगा, ये नीचे सत्वस्था माने सत्वगुण, सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण अगर किसी का जिन्हें प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर है, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ऊर्ध्व लोक अर्थात स्वर्गादि लोक, स्वर्गादि हमने बताया ना पूर्व स्व महोजन तपो देवी महेश धाम तेसु तेसु
तेते प्रभाव निचया भीतास्तु जेनो, धीरे धीरे ऊपर लुक जाए, ठीक है। और रजोगुण वृद्धि का साथ क्या हो, रजोगुण वृद्धि का साथ साथ मध्य तिष्ठन्ति अर्थात मनुष्य लोके अर्थात देवी धाम में जन्म होने का चांस है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है। आई बात समझ में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुण वाले जो है मरने का बाद इसका गति मध्य में है, ऊपर नहीं जा सकेगा कि कर्म बंधन है। और जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और यू नो जघन्य गुणवृत्तिस्था मतलब निकृष्टो गुणवृत्ति संपन्न, जघन्य वृत्तिस्था मतलब जिसका जिंदगी में जघन्य निकृष्ट गुणवृत्ति का प्रभाव है। ये जघन्य गुणवृत्तिस्था इसका सीधा स्वामीपाद जी ने व्याख्या की, शिल सिद्धर स्वामीपाद जी ने व्याख्या की, शिल सिद्धर स्वामीपाद जी ने व्याख्या की जघन्य निकृष्ट तमोगुण तस्यो वृत्ति प्रमादो मोहादि तत्र स्थितः। आई बात समझ में, ये सिद्धर स्वामीपाद ने सुंदर प्लेन अर्थ किया, बहुत इजी। क्या है ना, जघन्य निकृष्ट तमगुण तस्य वृत्ति प्रमाद मोहादि तत्वस्थित। आई बात समझ में, तो ये जो है सतगुण प्रधान व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में भूर्भुवस्व महाजनो, तो ये डिपेंड करता है कितना सतगुण आए इसका, पहले संस्कार कैसा है। रजगुण प्रधान व्यक्ति मध्य तथा भूलोक अवस्थान देवी धाम में, और प्रमाद मोहादि निकृष्ट गुणवृत्ति संपन्न, तमगुण प्रधान व्यक्ति अधोगति है, पततीर अधोर अधो, धीरे धीरे नीचा लोक में जाएगा, नीचा लोक में तामिश्र आदि अंध तामिश्रो नीचे नीचे नरक में जाए, और पश्वादि योनि को प्राप्त करे। आई बात समझ में, ऐसा उसका गति है। आगे चलकर 19 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम जदा दृष्टानुपश्यति। ध्यान से सुनना, नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम जदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। कहने का मतलब है, जो तत्वज्ञानी व्यक्ति अगर समझ ले तत्वज्ञान को समझते समझते अनुभव करते करते अगर इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो क्या होगा, क्या प्लेटफॉर्म, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम जदा दृष्टानुपस्थिति। कोई ये गुणावली को नहीं चला रहा है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, फॉर व्हाई दिस थ्री नेचर एंड अ मोड ऑफ नेचर वर्किंग, कौन है। जब कोई किसी व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव करते करते इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कि कोई नहीं है, इसका चलाने वाला कोई नहीं है, गुना गुणेभ्यो वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते बुधः। ज्ञानवान व्यक्ति समझते है कि गुण का ऐसा ही प्रभाव है, सतो रजोतम गुण भूतों का मापी नाश्ता है, इसका चलाने वाले मैं नहीं हूं, और इसका प्रभाव भी मेरा ऊपर प्रभाव जमा नहीं सकेगा, ये प्रभाव जमा नहीं सके। नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम, कौन मालिक है, कोई मालिक नहीं है। नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम जदा दृष्टा अनुपश्यति, अनुपश्यति का मतलब गुरु वैष्णव का दर्शन का अनुगत्व में, इसलिए पश्यति नहीं लिखा, अनुपश्यति। गुरु वैष्णव का
अनुगत्व के बिना अनुभव नहीं प्राप्त होगा, अनुभव के बिना तत्वज्ञान नहीं होने से ये समझेगा कैसे। तो चेन वाइज सब लगा हुआ है, एक का साथ दूसरा। जब दृष्टा जीव एक गुनावली यह है, एक दूसरे का साथ टकरा रहा है, कोई इसमें कर्ता नहीं है, मालिक नहीं है, अर्थात प्रकृति, जड़ा प्रकृति सब कुछ हो रहा है, भगवान का ये प्रभाव है। जब दृष्टा जीव ये गुण, जो गुणावली 17 गुण, इसके अलावा कोई दूसरा चलाने वाले कर्ता को नहीं देखता है, अर्थात ये महसूस करता है कि प्रकृति कर्म करता है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, ये जड़ जगत का कर्मों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। गुणों का प्रभाव आया और गुणों का प्रभाव का अनुसार, पूर्व कर्मफल का अनुसार महाराज मेरा इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे मेरे को चला रहे, तो मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये भूतों का माफिक चल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट आत्मा, इतना ही काफ़ी है, आत्मा है इसीलिए संभव है, इतना बोल सकता है। आत्मा इन्वॉल्व है ये बोल नहीं सकता, बस आत्मा है इसीलिए संभव है, आत्मा की चले जाए तो संभव नहीं। जिसका उदाहरण ने दिया, ये लोहे का अंदर में कोई ताप नहीं हो सकता, लेकिन एक लोहे का टुकड़ा को आग का अंदर रखने से ये लाल गनगना लाल हो गए, और ये जलाने का क्षमता रखता है अभी, बस इतना समझो। आत्मा का खातिर हो रहा है, बट आत्मा इज नॉट इन्वॉल्व, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, बट द इन प्रेजेंस ऑफ आत्मा नहीं होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नहीं होने से पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर काम करता है ना, दोनों मिलके मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ आत्मा, शरीर में आत्मा है, शरीर का अंदर में आत्मा होने का कारण, शरीर में आत्मा होने का कारण ये संभव हो रहा है। ये आत्मा बंधन का कारण, पूर्व कर्म कल के अनुसार मेरा ये सब ये जड़ो इंद्रियो ग्राम को प्राप्त हुए हैं, ये शरीर को प्राप्त हुए जड़ो शरीर, इसका अंदर में प्रकृति का त्रिगुण का प्रभाव जमा रहा है, और प्रकृति का प्रभाव जमाने के साथ साथ भूतों का मापिक काल भी चल रहा है, भूतों का मापिक काम भी चल रहा है, कैसे कौन करता है कौन जाने है? ऐसा उदाहरण दिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि आत्मा है तभी हो रहा है, जब भी आत्मा डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व क्यों, लेकिन आत्मा नहीं होने से कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए पुरुष और प्रकृति भगवान का इच्छा कोई स्वतंत्र नहीं, पुरुष और प्रकृति दोनों में एक भी एकदम बिल्कुल 100% स्वतंत्र नहीं है, दे आर गिवन लिबर्टी टू सम एक्सटेंट, हाँ थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दिया गया, लेकिन एब्सोल्यूट स्वतंत्र नहीं है, दे आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। कर्मों का जो भगवान यद्यपि इसको जीवों को नहीं बोल रहा है कि ये करो वो करो, भगवान बोल रहा है तू जो भला बुरा काम कर रहे हैं इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना आदत्तिक असचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञाने न अवृतम ज्ञानम तेनो मुह्यंती, मैंने तो नहीं बोला ये करो वो करो, हम बोला मेरा पास आए, फिर भी भगवान कह रहे हैं। जीव तत्व में बहुत सारे सुंदर चर्चा हुआ, जब भी भगवान डायरेक्टली किसी को कर्म में नहीं, फिर भी इनडायरेक्टली भगवान ही चला, और हर जीव अपना कर्मफल के अनुसार, जो कर्मफल के अनुसार अपना शरीर को प्राप्त करता है, शरीर प्राप्त करने के बाद फिर कर्म करता है, जो भी करना करता है वो जीवात्मा उपस्थित है, इसीलिए जीवात्मा नहीं उपस्थित होने से कौन करे। और भगवान कर्मफल का दाता है, आई बात समझ में, जब भी भगवान ने बोला हम ये सब तू भला बुरा कर रहा है इसका लिए मैं जुमा नहीं हूं, तू जो भला बुरा कर रहा है इसके लिए मैं जुमा नहीं हूं, तू अपना लोभ है लालची है कर्मफल भोगना चाहता है माया को कर, तू माया को भोगना जाओ कर, हम क्या करें, लेकिन कर्मफल मेरा हाथ का मुट्ठी में है, कहां तक तू भागे
कर्म का जो फल है मेरा हाथ का मुट्ठी में है, मैं दू तो मिलेगा, नहीं दू नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेट कंट्रोलर इज द सुप्रीम लॉर्ड। आई बात समय में, तो कोई चलाने वाला नहीं है। फिर इतना ही है, आत्मा चिन्मय वस्तु शरीर का अंदर में है तो इतना भूतों का माँ भी कम चल रहा है, इतना ही काफी। नान्यम गुणेभ्यो कर्तारम जदा दृष्टानुपशति गुणेभ्यो परम व्यक्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। मद्भावम मतलब ब्रह्म भाव, कोई कोई बोलता है, कोई बोलता है त्रिगुणातीतो भाव। त्रिगुणातीतो भाव भी अच्छा है, ब्रह्म भाव बोलने से कोई उल्टा उल्टा भावना भी आ सकता है। जब भी भगवान बोले ना ब्रह्म भूत अप्रसन्न आत्मा न सोचिति न कंकति समो सर्वेशु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम, और जो मायावादी का ब्रह्म भाव ये नहीं है क्या? यहाँ जो मायावादी का ब्रह्म भाव नहीं है, फिर भी हम ब्रह्म भाव छोड़ के त्रिगुणातीत अवस्था इसी माने को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या माने हैं? जब दृष्टा जीव, जब दृष्टा जीव ये गुणावली त्रिगुणावली सतरुज तमगुण छोड़कर किसी को करता नहीं देखता है, मतलब प्रकृति सब कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा अनुभव में आता है जिस समय, इस समय त्रिगुण का अतीत भूमिका परम वस्तु को आत्मा को अनुभव में पा सकता है। आत्मवस्तु का संधान मिलता है, तब आत्मवस्तु का अनुसंधान मिलता है। और उस समय मेरा भाव अर्थात गुणातीत त्रिगुणातीत अवस्था को, उस समय मेरा भाव अर्थात ब्रह्म भाव अर्थात त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त, अर्थात त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है। क्या बात है? नान्यम गुणेभ्यो कर्त्वारम जदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चो परम व्यक्ति मद्भावम शो अधिगच्छति। आई बात समझ में? ये सच्चा बात है, सिर्फ चिन्मय आत्मा शरीर का अंदर है, पूर्व कर्म फल के अनुसार ये शरीर प्राप्त की और चिन्मय आत्मा अंदर में है, बस इसीलिए सारे भूतों का मापी कम चल रहा है। चिन्मय आत्मा निकल गया तो इसका प्रभाव नहीं जमेगा शरीर का ऊपर, कैसे जमेगा? कल चर्चा किया था ना, याद है ना, कल जावत लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम तथो विपर्जय क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते, कल चर्चा किया ना। ये बात को ध्यान देना है, जावत लिंगन नितो ही आत्मा, लिंगो शरीर का रैप्चर हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। जयो जयो हरि नाम चिदानंद मितो धाम, ये इस कीर्तन में है। तबो अल्पो स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए, तबो अल्पो स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए लिंगो भंग होय अनायसे, मतलब हरि नाम का असर इतना प्रभाव है, हरिनाम जरा से भी उदय हो गया बस, तबो अल्पो स्फूर्ति पाए, सामान्य स्फूर्ति हो गया हरिनाम बस हो गया, तबो अल्प स्फूर्ति पाए उग्रताप दूरे जाए। उग्रताप माने जितना कष्ट सहन करते आ रहा हूं, हर जीवात्मा जो सहन करते आ रहा है सब मिटमाट हो जाए। तबो अल्प स्फूर्ति पाए उग्रताप दूरे जाए और लिंगो भंग होय अनासे, मतलब अनर्थ राशि तमाम मरमिट जाए, हट जाए, और उसके बाद क्या होने वाला है? लिंग शरीर रैप्चर, पूरा फ्रैक्चर हो जाए। जब तक लिंग शरीर रहे, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर, बाहर में जो शरीर है ये तो ग्रॉस बॉडी है और सटल बॉडी। लिंग शरीर जब तक रहे तब कोई सुविधा नहीं होगी, जब तक लिंग शरीर रहे तब तक कोई सुविधा। डोंट ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस मेटेरियल बॉडी एंड फाइन बॉडी, मेरा विनती है, ये मोटा शरीर से दादागिरी चलता है,
सूक्ष्म शरीर ये दोनों का एक भी हमारा दरकार नहीं। रैप्चर करो, एक लात लगा के उसको एकदम फ्रैक्चर कर दो, तब आत्मा का मुक्ति होगी और जाके चिन्मय आनंद को प्राप्त करेगी। सो काल चर्चा किया था, जावत लिंगा नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया जोगो अनिवर्त। आई बात समझ में? अब ये 19 नंबर श्लोक का मोटा मोटी व्याख्या हो पाए, अब समझो तो ठीक है। आगे चलकर 20 नंबर श्लोक में कह रहा है भगवान, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन गुणानो एतानो अतित्तो त्रिनो देही देहो समुद्भवानो जन्म मृत्यु जरा दुक्षयर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। गुणानो एतानो अतित्तो, अर्थात ये सब जो तारे सतरज तम तीनों गुण बताए, तो ये गुणातीतो गुणातीतो भूमिका में जाए तो गुणाने एत गुणानो एतानो अतित्तो, ये त्रिगुण को काट कर ऊपर जाने से गुणानो एतानो अतित्तो तीनों, ये तीन गुण का बाहर जाने से क्या होता है। देही आत्म तत्व का अनुभव करें, देही देहो देही देहो समुद्भवानो देहो देही समुद्भवानो, देही मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा, देहो मतलब ये जो आपका शरीर है जिसका अंदर में देही है, ये शरीर त्रिगुण का बाहर जाने का साथ साथ या आत्म उपलब्धि होते रहता है। और जन्म मृत्यु जरा जन्म मृत्यु मतलब जन्म और मौत, और जरा मतलब वार्धक्य दुख शोक, विमुक्त होकर अमृतत्व प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तब अमृतों को प्राप्त करता है। स अमृतोत्ताय कल्पते, अमृतोत्ताय कल्पते, दूसरा श्लोक में ही भगवान बताए। तो ध्यान देना इस बात पर, वो विचार बनाना इस ऊपर। गुणान एतानो अतित्तो त्रिणो देही देहो समुद्भवान, देहो समुद्भवान क्यों बोला, क्योंकि ये शरीर तो अपना नहीं है ना। देहो समुद्भवान इसलिए बोला कि देही देही आत्मा अपना कर्मफल के अनुसार जीवात्मा शरीर पकड़ा, इसीलिए ऐसा प्रवचन दिया भगवान। गुणानो एतानो अतित्तो त्रिणो देही अर्थात जीवात्मा, ये जो देहो समुद्भवान ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसका प्रभाव, इसका ऊपर जो त्रिगुण का प्रभाव पड़ रहा है, सारे को काट कर फाट कर एकदम फ्रैक्चर करके जन्मों मृत्यु जरा वार्धक्य और की दुख शोक ये सब विनिर्मुक्त होके अमृत प्राप्त कर लायक बन जाए, तद अमृतोत्ताय कल्पते। सो गुणानो एतानो अतित्तो त्रिनो देही देहो समुद्भवानो जन्म मृत्यु जरा दुक्षैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते, अमृतो प्राप्त करता है। अब आगे चल के अगले हफ्ता ये चर्चा होने वाला है, ये होगा, क्योंकि ये नहीं समझने से कुछ नहीं समझ में आएगा। भागवत जी महापुराण या अभ्यास बड़ा चर्चा हो रहा है, इसका अंदर में ये सब नहीं अनुभव होने से कुछ नहीं आगे बढ़ सकता है भजन लाइन में। सो इसलिए ये सब अनुभव में लाना जरूरी है। आगे चलकर अर्जुन का क्वेश्चन है, तो आपने तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दी लेकिन मेरे को समझ में नहीं आए, अब आज ज्यादा क्लियर करके खुलासा करके बताओ, क्योंकि हम कैसे समझे, हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति ये साधु त्रिगुण का अतीत है, लगता तो है एक ही है। माधव गोस्वामी महाराज ये करो वो करो बोल रहा है, लगेगा कि वो भी हमारा मापी के बंधन दशा में है।
ये तो लगेगा, कैसे समझेगा? तो इसीलिए अर्जुन बड़ा इंटेलिजेंट, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि हम कैसे समझे, हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हम कैसे समझे, इसका सिम्टम क्या है, ये गुणातीत भूमिका में है, कैसे समझू, और इसका आचरण कैसा है, कैसे समझे इसका आचार आचरण, उठना बैठना बोलना कैसा कैसा है, तो बताओ। याद है ना, जब गीता शुरुआत में सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञों का क्या लक्षण है, ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा मापिक लगता है, फिर भी थोड़ा बहुत स्पेशलिटी जरूर है। द्वितीय अध्याय में भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण के बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य लक्षण, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, कैसे उठता है बैठता है, कैसे बोलता है चलता है, ये बताओ। अगले हफ्ता इसका बारे में थोड़ा टच करें, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड अध्याय का, उसके बाद आगे चल के अर्जुन का जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तमाम अव्यवस्था फैलेगा जो हो रहा है। अब समाज में कोई समझने वाला आदमी नहीं है, कोई एक भी बचा खुचा नहीं है, दो एक अगर है भी छुपा हुआ है, कौन बोलेगा ये तमोगुणी है, कौन बोलेगा ये रजोगुणी है, ये महाराज नहीं है, ये पतित है, कौन बोलेगा, कौन बोलने वाला है ना। जितना तत्व ज्ञान को प्राप्त करे तो सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ गाइडेंस मतलब अंतरात्मा से जितना सिंसियर हो जाओगे, अंतरात्मा से आपका चैत्य गुरु का, चैत्य गुरु का डिवाइन हेल्प मिलेगा। बाहर में साधु संगो गुरुजी को हजारों बार मैंने प्रश्न किया, गुरुजी आप तो चले जाएंगे, अब उसका बाद साधु संग बार बार करते रहे, गुरुजी जवाब नहीं दिए। एक दिन सोचे कि मैं बोका हूँ, अब बोलते रहे, कोई नहीं था, अकेला मैं, अब बोलते रहे, बेटा ये जो आजकल का जो स्थिति है, कलिकाल का जो प्रभाव है, आजकल का जो स्थिति है, इस अवस्था में ये साधु संगों का आशा करना बहुत सुदुर्लभ है, साधु का बाजार में मिलता नहीं बेटा, तुमने बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हो, आप जा रहे हो कैसे, कहाँ जाए कैसे करे, मेरा ये उत्तर है, भक्तिविनोद ठाकुर जो दिया है ना, यही उत्तर है। हे महोदयगण, हाट बाजार में मार्केट में इधर उधर हर जगह बहुत देश बहुत ग्राम छानबीन करके अहोभाग्य से एक साधु मिलता है जो वास्तव तत्वज्ञानी है, और प्राप्त करने के बाद भी हम लोग ठुकरा देते हैं, चलो ये कोई साधु ही नहीं है, ऐसा हो सकता? तो गुरुजी बोले देखो ये तो असंभव है, तो फिर भी संभव है, तुम चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत तो है, और गुरु वैष्णव का हरि कथा है, ये सुनते रहना, और इसके द्वारा सत्संग हो सकता। डायरेक्टली ये जगत में अभी ऐसा स्थिति है, 100% गारंटी वाला साधु संग मिलना वाकई ही असंभव है। फिर भी निराश होने का कोई बात नहीं, गुरु वर्ग सब अपरागिक जगत से सहयोग करने के लिए तैयार है, तो हमने ये कह नहीं सकता कि हमने मिलेगा नहीं, ये कभी नहीं कह सकता, ये आशा नहीं छोड़ सकता है गुरु वैष्णव सूक्ष्म रूप में, और अभी भी जिसका ऊपर कृपा है बोलते रहे, सत्संग तो होगा ही, और बिना संग हो ही नहीं सकता कुछ। सो क्वेश्चन को बताते हुए मेरे को अभी आज समाप्त करना है, कथा को विश्राम देना है। अर्जुन उवाचो, क्वैर्लिंगोय स्त्रीणो गुणानु एतानु अतीतो भवति प्रभु, किम आचार कथम चैतान स्त्रीणो गुणानु अतिवर्तते। आई बात समझ में, इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतति अवश्यं सतसंधि जर्जरं किमौषधं पृच्छसि मुरदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबो। वांछकल्पदुर्वसे के बासिंदी पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।